Morning class, I am your computer teacher of class 3. Today, I will do the explanation of chapter number 1, which is introduction of computer on page number 5. Open page number 5. So, let's start the explanation. आज इस chapter में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Introduction के बारे में of computer. So, what is computer? Computer है क्या? The word computer has been derived from Latin word. जो word computer है वो कहाँ से आया है? एक Latin word है which is compute, जिसका क्या मतलब है? Count, मतलब गिनना. Computer is an electronic machine. Computer क्या है? एक electronic machine है, मतलब ये electricity से चलती है. That helps us in computing, जो हमें computing में help करती है, मतलब काफ़ी task में help करती है. Abacus and calculator also help us in making calculations or computing. जो अबेकस है, अबेकस क्या है? अबेकस भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है. जब कैलकुलेटर नहीं था, उससे पहले क्या चलता था? अबेकस, जिसमें सिर्फ प्लस और माइनस, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही हो सकते थे. ये आप आगे जाके पढ़ेंगे. ओके, तो जो अबेकस और कैलकुलेटर है वो भी हमारे कैलकुलेशंस में यूज़ होता है, ईजी बना देता है हमारी कैलकुलेशन को. बट कंप्यूटर इज सुपीरियर टू ऑल दिस. लेकिन जो कंप्यूटर है वो सारी चीज़ों को, हमारी सारी चीज़ें एक बार में कर देता है, जल्दी कर देता है और ईजिली कर देता है. अर्लियर कंप्यूटर वॉज ओनली यूज फॉर कैलकुलेशन. पहले क्या होता था? कंप्यूटर को सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ करते थे. बट टुडे इट एड्स अस इन डिफरेंट टास्क. लेकिन आज की ज़िंदगी में ये काफ़ी जगह में यूज़ हो रहा है. जैसे कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? जैसे हम गेम खेल सकते हैं, लेटर राइट कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, म्यूजिक लिसन सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, और जो स्पेलिंग्स है वो सही भी कर सकते हैं और बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेज. आपने पुरानी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो हमारा अलग अलग प्लेसेस पे कंप्यूटर का अलग अलग काम होता है, मतलब ऑलमोस्ट सारी प्लेसेस पे कंप्यूटर का काम होता है. और आपने कहीं कहीं जगह कंप्यूटर, लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो देखा भी होगा. तो हम देखते हैं कि कौन सी कैसी जगह है जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है. ओके, तो पहला है इन स्कूल्स और कॉलेजेस. पहला तो स्कूल्स और कॉलेज में ही होता है. जैसे कंप्यूटर इज़ यूज फॉर इन स्कूल और कॉलेजेस. जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है उसको उसमें कंप्यूटर में स्टोर रहता है, इससे बाद में कोई परेशानी ना हो. बच्चे के लिए प्रैक्टिस कंप्यूटर लैब होती है, उसमें कंप्यूटर होता है, इससे बच्चे प्रैक्टिस कर सकें, उसमें नॉलेज कर सकें टू द कंप्यूटर के, उस प्रिपेयर हो सकते हैं रिपोर्ट. तो ये सब क्या है? ये कंप्यूटर का यूज़ है इन स्कूल एंड कॉलेजेस. नाउ कम टू पेज नंबर 6. इन ऑफिसेज, ऑफिसेज में भी इनका यूज़ है. कैसे यूज़ है? फॉर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क. अलग अलग तरीके के टास्क करने से, किसी को ईमेल भेजना है, किसी को मेल भेजना है, उसमें उनके रिकॉर्ड करने के कॉरेस्पॉन्डेंस, किसका कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, मतलब कौन आंसर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा. हॉस्पिटल्स में क्या यूज़ है? कि जो डिजीज़, जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, उनका चेकिंग, के कौन कौन आ गया है, कौन कौन नहीं आया है, किन किन की सर्जरी हुई है, पेशेंट रिकॉर्ड, कि आज की तारीख में इतने आए थे, कल की तारीख में इतने. तो ये भी कंप्यूटर से ही होता है कि हम इसको सेव कर सकते हैं, बाद में इससे यूज़ हो. बैंक्स में क्या होता है? बैंक्स में मेंटेनिंग रिकॉर्ड, कि कौन सा एम्प्लॉई आ रहा है, कौन सा कस्टमर आ रहा है, कैसा ट्रांजैक्शन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैसे जाना, तो क्या क्या हो रहा है. तो ये भी ट्रांजैक्शन में किससे होता है? कंप्यूटर से भी होता है. ठीक है, अकाउंट्स भी कंप्यूटर से खुलते हैं. तो ये सब क्या है? ये बैंक में काम है इसका. रेलवेज़ के में क्या काम है? रेलवे और एयरपोर्ट्स में टिकट देते हैं ना, टिकट भी, जो टिकट रिजर्वेशन होती है, कंट्रोलिंग एयर होती है कि कौन सी फ़्लाइट कब आ रही है. बोलते हैं ना, आप लोग कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो वो लोग बोलते हैं कि ये फ्लाइट आने वाली है, तो वो माइक से बोलते हैं, इससे कि लोग, या फिर रेलवे स्टेशन पे भी एक बोलता है, तो वो भी क्या है? कंप्यूटर से ही बोलते हैं. सब माइक लगे होते हैं हर जगह. प्रिंटिंग टिकट्स प्रिंट होती हैं सबको, तुरंत जो मिलती हैं टिकट्स वो कहाँ, उसमें इससे भी कंप्यूटर का यूज़ है. और इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स मतलब जो डिपार्टमेंट्स में, ऐसे बिलिंग, या फिर कहीं आप शॉप पे जा रहे हो तो वहाँ पे, जैसे मॉल में जा रहे हो तो मॉल में आपने देखा होगा जब सब सामान खरीद लेते हो आप, तो लास्ट में नीचे जाके बॉटम में तो एक अलग अलग लगे होते हैं, 3-4 लोग एम्प्लॉयज़ लगे होते हैं विद कंप्यूटर. आप देते जाते हो उन्हें, तो बार कोड से चेक करते जाते हैं और कंप्यूटर पे लिस्ट आती जाती है. तो वो क्या है? टाइम भी बचा रहा है, इजीली कर रहा है. ठीक है, तो ऐसी जगहों पे कंप्यूटर का बहुत यूज़ है. तो ये हैं कंप्यूटर के यूजेस. तो दिस इज़ द पार्ट ए ऑफ द एक्सप्लेनेशन. यू हैव टू रीड अप टू दिस. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. ओके क्लास.
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।